सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि साल 2174 में पृथ्वी पर इंसानी आबादी काफी ज्यादा होने की वजह से रिसोर्सेज की काफी कमी हो रही थी, तो सभी देशों ने मिलकर अपना एक स्पेस शिप एलिसियम को लॉन्च किया। इस स्पेस शिप का ये मिशन था कि उन्हें एक ऐसे ग्रह को ढूंढना होगा जहाँ पर इंसानी सभ्यता को बसाया जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक इंसान को देख पाते हैं जो अपने स्लीपिंग चैम्बर से जाग जाता है। वो खुद को उस चैम्बर में बंद देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और जल्द से ही उस चैम्बर से बाहर आता है और अपनी बॉडी में लगे सभी वायर्स को बाहर निकालता है। वो एक टॉर्च की मदद से आसपास की चीजों को देखने लगता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका नाम होपर है। वो जल्दी से अपने हाथ के स्किन को हटाता है और उसमें उसे कुछ नंबर लिखे मिलते हैं। वो जल्दी अपने यूनिफॉर्म को पहन लेता है और उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिप में लाइट ना होने की वजह से वो डोर नहीं खुलते। लेकिन तभी कुछ पलों के लिए बिजली वापस आ जाती है जिससे एक और पॉड खुल जाता है। ऊपर उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि वो सब एक स्लीपिंग चैम्बर में बंद थे। उसकी बात सुनकर वो इंसान जिसका नाम लेफ्टिनेंट पैटल है वो भी खुद को साफ करता है और ऊपर से पूछता है कि क्या अब इस शिप में हम दोनों ही बचे हुए हैं। इसके बाद ऊपर इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करता है और अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आने पर ऊपर खुद ही इस इवेंट से बाहर जाने को बोलता है। पैटल उसे एक ट्रांसमीटर देता है जिससे वो दोनों आपस में बात कर सकें। इसके बाद ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे उसकी तीसरी साथी की लाश मिलती है जिसे देखकर ऊपर बहुत डर जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और जल्दी वो एक गेट के पास पहुंच जाता है। ऊपर उस गेट को ओपन करता है और उसे किसी के होने का एहसास होता है। ऊपर अपने सामने एक लड़की को देखता है और उसे मदद मांगने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की तो वहां से भागने लगती है। ऊपर उसका पीछा करता है और वो देखता है कि किसी ने इंसानों को पूरी तरह से मार के उनकी बॉडी को खा लिया है। ऊपर उसे देखकर कुछ समझ पाता तब तक कोई अनजान एंटिटी उस बॉडी को खींचने लगता है। इसके बाद ऊपर के पास वही लड़की आती है और उसे शांत रहने को बोलती है। इसके बाद हमें एक क्रिएचर को दिखाया जाता है। ये क्रिएचर कौन है और कहां से आए हैं ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद वो क्रिएचर ऊपर पर हमला कर देता है, लेकिन ऊपर छुपकर अपनी जान बचा लेता है और वो क्रिएचर ऊपर के तीसरे साथी की लाश को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ऊपर सारी बात लेफ्टिनेंट पैटल को बताता है तो पैटल उसे कहते हैं कि उन्हें किसी तरह शिप के रिएक्टर को रीस्टार्ट करना होगा। पैटल की बात मानकर ऊपर रिएक्टर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए लॉकर से एक गन भी ले लेता है। ऊपर आगे बढ़ता है तो उसे एक और जख्मी इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और उसे शांत करता है। ऊपर उससे शिप में हो रहे हादसों के बारे में पूछता है, लेकिन वो इंसान तो उसकी बातों से इनकार करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन वो क्रिएचर तो उस इंसान को पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। लेकिन उन क्रिएचर्स ने ऊपर को भी देख लिया था। ऊपर वहां से भागता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो क्रिएचर उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी एक इंसान उसकी जान बचा लेता है। ऊपर उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान की भाषा ऊपर को समझ में नहीं आ रही थी। तो ऊपर उसके हाथों के टैटू को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक किसान है। ऊपर उसे समझाता है कि उन्हें सबकी जान बचाने के लिए रिएक्टर को फिर से चालू करना होगा। वो फार्मर उसकी बात मान जाता है और वो दोनों रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर पर वही लड़की अटैक कर देती है। ऊपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत पावरफुल थी। तब वो फार्मर ऊपर की मदद करता है जिससे उसकी जान बच जाती है। ऊपर उन दोनों को समझाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो दोनों ऊपर की बात से एग्री करते हैं और तीनों रिएक्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो लड़की अपना नाम नादिया बताती है। वो तीनों एक गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन पर बहुत सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। ऊपर उन पर अपने गन से हमला कर देता है, लेकिन उन सभी पर तो उसके वारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तब तक वो गेट भी खुल जाता है और वो तीनों सेफली गेट के अंदर आ जाते हैं। नादिया उन्हें बताती है कि वो पहले एक साइंटिस्ट हुआ करती थी, लेकिन उन क्रिएचर्स ने उसके सभी साथियों को मार दिया और अब वो इस शिप में अकेली ही बची है।
इधर हम पैटल को देख पाते हैं जिसे किसी चीज की आहट होती है, तो पैटल उसे चेक करने बेसमेंट के ऊपर जाता है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक इंसान दिखता है। वो उसे बाहर निकालता है और उसे उसके बारे में पूछता है। वो लड़का अपना नाम गेलो बताता है और वो पैटल को ये भी बताता है कि वो पहले इस स्पेसशिप का कमांडर था। पैटल उसे उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन गेलो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इधर हम देख पाते हैं कि ये तीनों स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंच गए थे, जहां पर कुछ चैम्बर तो खुले हुए थे तो कुछ चैम्बर अभी भी बंद थे। नादिया होपर को बताती है कि यहाँ रुकना बिल्कुल खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर वो भयानक क्रिएचर्स अपने शिकार के लिए आते हैं। वो तीनों छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बावर और नादिया एक गड्ढे में गिर जाते हैं। लाइट ऑन करने पर वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े थे, लेकिन तभी वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है, तो नादिया उस लाइट को छुपा देती है। उनके जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन वो तो बस उस क्रिएचर की चाल थी। उनके बाहर आते ही वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। वो दोनों भी मिलकर उस क्रिएचर को रोकते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बहुत पावरफुल था। लेकिन तभी वहाँ पर वो फार्मर आ जाता है और उस क्रिएचर पर वार करता है, लेकिन उससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो तीनों एक साथ मिलकर उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर को अंधेरे में किसी के होने का एहसास होता है। ऊपर जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ करता है तो वो क्रिएचर सभी क्रिएचर्स को बुला लेता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक इंसान का पॉड खुल जाता है और वो सभी क्रिएचर्स उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और सर्वाइवर मिलता है। वो खुद को एक शेफ बताता है और उनकी मदद करता है। वो उनके लिए एक सूप बनाता है, लेकिन ये सब तो उसकी चाल थी। वो सूप पीते ही वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो सभी खुद को बधा हुआ पाते हैं। वो सिर्फ नादिया को खाने वाला था, लेकिन वो पर उन्हें बताता है कि वो उन्हें मारकर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उन्होंने एक घंटे में रिएक्टर को रिस्टार्ट नहीं किया तो वो पूरा से ब्लास्ट हो जाएगा और वो सब मारे जाएंगे। वो सिर्फ उनकी बात मान जाता है और वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर पैटल से कॉन्टेक्ट करता है और तब पैटल उन्हें बताता है कि अब उनके पास बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। उन्हें जल्द ही रिएक्टर को रिस्टार्ट करना होगा, वरना ये सभी लोग मारे जाएंगे। इधर गेलो कैटल से बहस करता है कि होपर को पहले उन्हें बचाना चाहिए था। इधर हम होपर को देख पाते हैं जो रिएक्टर तक पहुंच गया था, लेकिन होपर देखता है कि वहां पर बहुत सारे आदमखोर क्रिएचर्स थे। वो धीरे धीरे रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो सीढ़ी टूटने लगती है और होपर नीचे गिर जाता है। इधर नादिया रिएक्टर के पोर तक पहुंच गई थी। इधर गेलो गुस्से से पागल हो गया था और वो पैटल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे उसके चैम्बर में वापस जाने को बोलता है, लेकिन पैटल तो गेलो को ही चैम्बर में बंद कर देता है। होपर धीरे धीरे नीचे उतरता है और वहां पर रखे कपड़ों को अपने ऊपर लपेट लेता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सिर्फ से एक टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिससे सभी क्रिएचर्स जाग जाते हैं। तो वो फार्मर ब्रिज को नीचे छोड़ देता है, जिससे कुछ क्रिएचर्स उसके नीचे दबकर मारे जाते हैं। इधर होपर रिएक्टर तक पहुंच गया था और वो रिएक्टर को रिस्टार्ट कर देता है। रिएक्टर के ऑन होते ही एक तेज रोशनी बाहर आती है और सारे क्रिएचर उससे मारे जाते हैं। रिएक्टर के ऑन होते ही शिप में लाइट आ गई थी और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इधर उन क्रिएचर्स के सरदार ने उस फार्मर को लड़ाई की चुनौती दी थी और वो फार्मर उस पर हमला कर देता है। वो उसे जान से मार देता है। इसके बाद उन्हीं क्रिएचर्स का एक बच्चा उस फार्मर के पास आता है, तो वो फार्मर उसे एक बच्चा समझने की गलती कर देता है और वो क्रिएचर एक ही बार में उसके गले को काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेलो अपने चैम्बर से बाहर आ गया है और वो पैटल पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे गेलो और पैटल एक हो रहे थे और गेलो पैटल पर हावी हो जाता है। मदद मांगने के लिए सिर्फ पैटल के पास आता है, लेकिन तो पैटल उसे जान से मार देता है। जब होपर और नादिया पैटल के पास आते हैं तो उन्हें उस शिप की लाश मिलती है, जिससे होपर समझ जाता है कि गेलो ने पैटल की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। होपर के पूछने पर वो बताता है कि मैं इस शिप पर तुमसे पहले आया था और कुछ सालों बाद हमें पृथ्वी से एक आखिरी मैसेज मिला, जिसमें हमें बताया गया कि पृथ्वी से पूरी इंसानी सभ्यता समाप्त हो गई है। और उस मैसेज को देखते ही मैं ये समझ गया कि इंसानों के ज्यादा बुद्धिमान होने की वजह से ही पृथ्वी तबाह हुई है। इसीलिए मैंने इस शिप में अपनी एक सेना बनाई और इंसानों का शिकार करने लगा।
और तब मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि ये क्रिएचर्स कोई एलियंस नहीं बल्कि खुद इसी शिप के इंसान थे, जिन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी ने इसी एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लिया और उन्हें एक भयानक मॉन्स्टर में बदल दिया। इसके बाद होपर गेलो पर हमला कर देता है और शिप के रूफ को खोल देता है, और जब वो लोग शिप के ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो काफी समय पहले ही इस ग्रह पर आ चुके थे और उनका शिप एक समंदर में लैंड हो गया था। लेकिन तभी पैटल उस पर हमला कर देता है जिससे होपर जख्मी हो जाता है। नादिया भी पैटल पर हमला कर देती है जिससे होपर को संभलने का मौका मिल जाता है। होपर अपने गन से पैटल पर हमला करता है लेकिन वो गोली तो सीधे शिप की रूफ पर लगती है जिससे रूफ के शीशे टूटने लगते हैं और शिप में पानी भरने लगता है। वो जल्दी से भाग कर एक चैम्बर में छुप जाता है। वो क्रिएचर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन होपर उस चैम्बर को रिलीज कर देता है जिससे वो दोनों समंदर की सतह पर आ जाते हैं। शिप में पानी भरने की वजह से सारे पॉट्स बाहर आ जाते हैं और वो सब अपने सामने एक खूबसूरत से प्लेनेट को देख पाते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।